वेलकम बैक टू फूड एंड ट्रैवल गाइस। आज की रेसिपी है डिलीशियस वाइट सॉस पास्ता। सो आप रेसिपी आके देखो एंड देन आप बनाइए। तब तक मैं ये जो पास्ता है एंजॉय करता हूँ। डिलीशियस। ओके, वेलकम बैक टू फूड एंड ट्रैवल गाइस। सो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं वाइट सॉस पास्ता, वन ऑफ माई फेवरेट्स। वेरी इजी, तीन स्टेप्स है। पहला स्टेप है इसका कि ये जो पास्ता है आप इसको बॉईल करके रख लो साइड में। ये रेड मीट वाला जो है ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये उसमें जो मसाले आते हैं वो हैं, इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाला हुआ है। सब्जी बता देता हूँ मैं, मशरूम्स, धनिया पत्ता, फिर रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, ये बेसिल लीव्स हैं। सो हिंदी में हम इसे तुलसी का पत्ता भी बोलते हैं, बट थोड़े से ये बड़े पत्ते रहते हैं, बेसिल लीव्स। ओके, ये एकदम मीडियम छोटा प्याज है। यहाँ पे मैंने 5 to 6 क्लव्स लहसुन लिया हुआ है, कॉर्न लिया हुआ है, गाजर लिया हुआ है। यहाँ पे 2 शीट्स हैं मेरे पास चीज़ के, ये अमूल का मिल्क और यहाँ पे बटर। ओके, सो पहला स्टेप अपना हो गया है। दूसरा स्टेप है ये जो वेजिटेबल्स हैं, हम इसको स्टर फ्राई करेंगे। और वेजिटेबल स्टर फ्राई करने के बाद हम इसको साइड में निकाल देंगे एंड देन हम वाइट सॉस बनाएंगे इसका, और उसके बाद से वेजिटेबल्स और पास्ता दोनों मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये सब्जियां एक के बाद एक सब डालता हूँ, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने जो सारे सब्जियां हैं वो मीडियम आंच पे, देखिए सारे वेजिटेबल्स एक ही बार में मैंने मिक्स कर दिया बटर में। ओके, और इसको हम हल्का सा टॉस करेंगे। ओके, पैन फ्राई करेंगे इसको हम हल्का सा, ऑलराइट। और 3-4 मिनट जब कुक हो जाएगा तो हम इसको निकाल के इस प्लेट पे रख देंगे एंड देन हम वाइट सॉस बनाएंगे। ओके, तो ये जब हो जाता है तो मैं ट्रांसफ़र करके आपको वाइट सॉस बनाना सिखाता हूँ। ओके, सो गाइस ये देखिए मैंने वेजिटेबल स्टर फ्राई कर लिया हुआ है और इसमें मैंने 250 ml मिल्क डाला है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसमें हल्का सा मैदा भी डाल सकते हो। और ये बॉईल पे आ गया है। अब इसमें ये जो चीज़ है मैंने वो चीज़ यहाँ पे डाल दिया, चीज़ की 2 शीट्स हैं वो डाला है मैंने। ये हम अभी वाइट सॉस बना रहे हैं और ये जो इस पैकेट में था पहले से ही मेरे पास स्पाइसेस हर्ब्स, वो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, सिंपली आप इसको डाल के अब इसको स्टर कर दीजिए। एंड ये अच्छे से मिक्स हो जाए, लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए आप, ये लम्स है ना, तो इसको हमें ब्रेक करना है। ओके, और देखिए थिकनेस आने लगा इसमें। 10 seconds और करके फिर हम इसमें अपने वेजिटेबल्स और पास्ता मिक्स करते हैं। ओके, सो गाइस ये देखिए मैं अपना पास्ता यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। पास्ता मेरा चला गया एंड ये जो मैंने स्टर फ्राई वेजिटेबल्स किए हैं, मैंने ये वेजिटेबल्स भी इसमें सारे डाल दिए। और अपने को करना कुछ नहीं है, इसको बस नीचे से ऊपर इसको टॉस करना है। ओके, ये देखिए कितना सही थिकनेस आ गया इसका। ओके, ये हमारा पास्ता हो गया है। ये जो बेसिल लीव्स है या तुलसी के जो पत्ते हैं ये मैंने डाला है इसमें, और कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता डाला है, और बस इसको टॉस कर देंगे। ये मैं फ्लेम बंद कर दिया मैंने नीचे से, बस ये हमने टॉस कर दिया एंड हमारा जो पास्ता है गाइस रेडी हो गया है, रेडी टू बी सर्व्ड। वेरी डिलीशियस, वेरी ऑथेंटिक। ओके, सो मैं इसकी अब प्लेटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। गाइस देखिए ये हमारी प्लेटिंग हो चुकी है, पास्ता जो है हमारा डिलीशियस वाइट सॉस पास्ता रेडी है। ट्राई दिस एंड कॉमेंट सेक्शन में बताइए इफ़ यू लाइक्ड और नॉट। मैं तब तक ही एंजॉय करता हूँ।